बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम अब जबकि हम पोर्टफोलियो की चॉइस को और पोर्टफोलियो में एसिड्स की डिमांड को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं नाउ वी हैव अ फेयर आइडिया अबाउट पोर्टफोलियो थेरी सो द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट विच वी लर्न इन पोर्टफोलियो थेरी टू द थ्योरी ऑफ मनी डिमांड अब हम उनको मनी डिमांड की थ्योरी में अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारी मनी डिमांड की एक थेरी रह गई थी जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो थेरी ऑफ मनी डिमांड जैसे कि मैं हर थेरी के साथ उसके जिस इकोनमिस्ट की तरफ से ये थेरी आई उसका भी जिक्र करता हूं तो ये थेरी जो है ये फ्रीडमैन की तरफ से मिल्टन फ्रीडमैन तो पॉइंट ये है कि हम स्टार्ट करते हैं कि जो पोर्टफोलियो चॉइस थेरी या पोर्टफोलियो थेरी हमने डिस्कस की हाउ दैट इज एप्लीकेबल टू द थेरी ऑफ मनी डिमांड तो इंडिविजुअल जो चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो होता है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें बेसिक इशू क्या डिस्कस होता है वो ये होता है कि कौन सा एसेट होल्ड किया जाए और किस प्रोपोर्शन में किया जाए अब वो मनी डिमांड की थ्योरी में कैसे एप्लीकेबल है वो इस तरह से कि मनी भी तो एक एसेट है ना जब हर एसेट के ऊपर पोर्टफोलियो थ्योरी अप्लाई हो सकती है तो मनी भी एक एसेट है तो मनी के ऊपर भी अप्लाई होगी तो यहां से मनी डिमांड की थ्योरी डिराइव हुई पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ मनी डिमांड और क्वेश्चन वही रहेगा कि कौन सा एसेट होल्ड करें मतलब मनी होल्ड करें या ना करें और किस प्रोपोर्शन में करें यानी कि मनी बाकी एसेट्स के मुकाबले में किस प्रोपोर्शन में हो यह बेसिक क्वेश्चन होगा पोर्टफोलियो के अंदर अच्छा इसमें यह भी जेन में रहे कि कुछ इसके पॉइंट्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थे जो केन्स की है उससे मैच करते हैं तो मैंने उसको साथ ऐड किया ताकि आपके जेन में ये कंफ्यूजन ना हो कि ये तो उसने भी कहा था इसने भी तो कोई बात नहीं दो थेरीज में कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं हमेशा पिछली थेरी को क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं होता बहुत सारी चीजें कॉमन भी होती है जैसे केन्स की अपनी थेरी में ट्रांजेक्शन वाला मोटिव वही है जो क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी में भी था सिवाय इसके कि उसके डिटर्मिनेंट में थोड़ा फर्क है लेकिन अब जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थेरी है इसके अंदर और उसके साथ जो पोर्टफोलियो थे इन दोनों को भी मैं कंबाइन करके देखूं तो जो पहला डिटर्मिनेंट मनी डिमांड का आता है वो है इनकम और इनकम से मुराद अगेन मैंने आपको कहा था कि इनकम और वेल्थ यहां तक हम पॉजिटिव कोरिलेशन की वजह से एक ही मीनिंग ले रहे हैं जबकि आगे चल के मैं वेल्थ को अलग से भी लाऊंगा और आपको भी क्लियर होना चाहिए कि वी कैन लुक एट वेल्थ अदर देन इनकम बट एट द सेम टाइम वी कैन लुक एट दैम साइमल्टेनियस कि जिस बंदे की इनकम ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस हैं उसकी वेल्थ भी ज्यादा हो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनएम्प्लॉयड हो लेकिन उसके बहुत हो।, तो ये चांस तो हो सकता है तो जैसे हर एसिड की डिमांड बढ़ जाती है तो हम पोर्टफोलियो जाएगी तो जब मनी भी एक एसिड है तो मनी की भी डिमांड बढ़ जाएगी कोई और लॉजिक नहीं है सिंपल सी बात है कि जब हर एसिड की डिमांड मनी इनकम से बढ़ती है इनकम बढ़ने से हर एसिड की डिमांड बढ़ती है और मनी भी एक एसेट है तो फिर मनी की भी डिमांड बढ़ जाएगी यही बात हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थेरी में भी देखी थी लेकिन वहां रीजन ट्रांजेक्शन डिमांड थी यहाँ स्टोर ऑफ वैल्यू के कॉन्सेप्ट में है कि भाई हर एसिड स्टोर ऑफ वैल्यू है तो जैसे वेल्थ या इनकम बढ़ती है तो हर एसिड की डिमांड बढ़ती है तो साथ मनी की भी डिमांड बढ़ गई रीजन डिफरेंट है कॉन्क्लूजन फिर सेम इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट का रोल यहां भी कंक्लूजन सेम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थेरी का और पोर्टफोलियो थेरी का इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया लेकिन हमारा फोकस इस वक्त पोर्टफोलियो थे क्योंकि लॉजिक डिफरेंट है रीजनिंग डिफरेंट है तो पोर्टफोलियो थेरी के मुताबिक जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है अब मनी के ऊपर तो इंटरेस्ट रेट है नहीं तो हम ये किस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं ये होगा इंटरेस्ट रेट ऑन अदर एसेट जब अदर एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो चूंकि वो मनी का तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और आपको पता है कि मनी का तो रिटर्न होता नहीं है यानी कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है कांस्टेंट जीरो मतलब है है, तो मनी मतलब का रिलेटिव रिटर्न डिक्रीज हो जाता है, जब अदर का होता है तो आप मुझे बताएं कि जिस एसेट का हो जाए, तो हमने तो यह पढ़ा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न की बेस पे एसिड की डिमांड डिटामिन होती है तो जिस एसिड का रिलेटिव रिटर्न कम हो जाए उसकी तो डिमांड भी कम हो जाती

क्योंकि हमारी स्पेक्यूलेटिव डिमेंड वो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड यानी कि रीजनिंग डिफरेंट है लेकिन कंक्लूजन सेम थैंक यू